Namaste to everyone. Stop shaking hands and stay safe. This is Shubhriyo sir, and today I am going to teach you properties of rational numbers. Let's start. ये है chapter 1 rational numbers के overview. Number 1 natural numbers. After that whole numbers. Number 3 integers and number 4 rational numbers. ये चारों topics हमने हमारे रैशनल नंबर्स के पहले वीडियो में जान लिया था. तो फिर आज जानेंगे हम नेक्स्ट नंबर प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स के बारे में. प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स में फर्स्ट है क्लोजर, आफ्टर दैट कम्यूटेटिविटी, आफ्टर दैट डिस्ट्रीब्यूटिविटी एंड द लास्ट वन एसोसिएटिव. इसके बाद हम जानेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन, वो कैसे किया जाता है. और इसके बाद हम जानेंगे रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर्स के बारे में. इसके बाद हम एक्सरसाइज 1.1 और वो एक्सरसाइज 1.2 में जितने सारे क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे. और इस चैप्टर में और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनके बारे में हमको जानना है. ये सारे टर्म्स है जैसे कि एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी, इन सब के बारे में हम जानेंगे. चलिए तो फिर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं क्लोजर्स, जो कि प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर में फर्स्ट है. क्लोजर में भी सब पॉइंट्स हैं, जैसे कि चार तरह के सब पॉइंट्स हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिविशन. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट एडिशन. जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं a अपॉन b प्लस c अपॉन d इज इक्वल टू इरेशनल नंबर्स. इसका मतलब ये समझाया जा रहा है कि किसी भी रैशनल नंबर के साथ और एक रैशनल नंबर को अगर हम प्लस करेंगे तो रिजल्ट में जो आएगा वो भी एक रैशनल नंबर होगा. जैसे कि हमने नीचे प्रूव करके दिखाया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं 6/8 प्लस 2/7 इज इक्वल टू, इसका कैलकुलेशन करने के लिए हम पहले क्या करेंगे, 8 और 7 का एलसीएम लेंगे. एलसीएम कितना होगा, 56. नाउ 8 7 इज 56 एंड 7 6 इज 42. 42 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 56 कितना आएगा, 8. नाउ 8 मल्टीप्लाई बाय 2. जैसे कि न्यूमरेटर 7 के ऊपर आप देख सकते हैं 2 है, तो हम रिजल्ट जो आता है डिवाइड करने के बाद 8 के साथ 2 मल्टीप्लाई करें, 8 टू 16. सो आप देख सकते हैं 42 प्लस 16. फ्रैक्शन कैसे प्लस किया जाता है आपको आई होप पहले से पता होगा, फिर भी मैं नेक्स्ट टाइम और भी डिस्कस कर लूँगा. 42 प्लस 16 इज इक्वल टू 58. नाउ आवर आंसर इज 58/56. तो आप देख सकते हैं दो रैशनल नंबर को प्लस किया गया है और आंसर में भी जो आया है वो भी एक रैशनल नंबर है. रैशनल नंबर्स के कंडीशंस हमने क्या पढ़े थे हमारे पहले वीडियो में, हमने ये जाना था कि रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स पी अपॉन क्यू फॉर्म में होना चाहिए और P और Q दोनों ही इंटीजर्स होने चाहिए. और लास्ट में हमें ये भी फॉलो रखना है जैसे कि न्यूमरेटर Q है वो Q ज़ीरो ना हो, Q शुड नॉट बी ज़ीरो. ये सारे कंडीशंस फॉलो करते हैं तो कोई भी फ्रैक्शन के जैसे दिखने वाला टर्म्स को हम कह सकते हैं रैशनल नंबर. चलो तो फिर अब देखते हैं सब्ट्रैक्शन. क्लोजर के अंदर सेकेंड पार्ट जो है वो है सब्ट्रैक्शन. एडिशन हमने देख लिया, सब्ट्रैक्शन में यहाँ पर आप देख सकते हैं a by b minus c by d is equal to a rational number. यहाँ पर भी सेम बात बताया जा रहा है कि एक रैशनल नंबर से हम दूसरे रैशनल नंबर को अगर माइनस करेंगे तो आंसर में जो आएगा वो भी एक रैशनल नंबर होगा, वो भी नीचे प्रूव किया गया है. यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ ए बी सी डी का वैल्यू लिखा गया ना, ये वैल्यू आप अपने एज्यूम करके कोई भी नंबर ले सकते हैं.
यहाँ पर आप कोई भी नंबर बिठाइए, आंसर रैशनल नंबर ही आएगा। यहाँ पर मैंने 6/8 और यहाँ पर सी बाई डी को 2/7 लिखा है, आप यहाँ पर 1/7, 5/7 कुछ भी लिख सकते हैं, जो आपकी मर्जी हो, ये बस एज्यूम करके बिठाया गया है। तो यहाँ पर हम फिर से देखते हैं, 6/8 माइनस 2/7 इज इक्वल टू 8 और 7 का एलसीएम लिया गया है 56, इसके बाद 8/7 is 56 एंड 7/6 is 42 और यहाँ पर 7/8 is 56, 8/2 is 16, सो 42 माइनस 16 इज इक्वल टू 26, तो हमारा आंसर हो गया 26/56। तो ये आप देख सकते हैं, ये भी एक रेशनल नंबर है। तो यहाँ पर हमने प्रूव कर लिया कि एक रेशनल नंबर से हम दूसरे रेशनल नंबर को माइनस करेंगे तो आंसर में भी हमें रेशनल नंबर्स मिलेंगे। ये हमारे क्लोजर के सब्ट्रैक्शन का प्रूफ हो गया। तो क्लोजर में हमने एडिशन देख लिया, सब्ट्रैक्शन देख लिया, अब देखेंगे मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा है a अपॉन b इंटू c अपॉन d इज इक्वल टू अ रैशनल नंबर। यहाँ पर भी सेम बात, एक रैशनल नंबर के साथ हम अगर दूसरे रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर में जो आएगा वो भी एक रैशनल नंबर होगा। चलिए देखते हैं नीचे जो प्रूफ किया गया है, 6/8 इंटू 2/7 इज इक्वल टू 8/7 is 56 एंड 6/2 is 12। जैसे कि फ्रैक्शंस या रेशनल नंबर के मल्टीप्लिकेशन में हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं और ऊपर में जो है न्यूमरेटर एंड न्यूमरेटर दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो ऐसे हो गया 6/2 is 12 एंड 8/7 is 56। तो यहाँ पर हमने प्रूफ कर लिया कि दो रेशनल नंबर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर में भी हमें रैशनल नंबर्स मिलेंगे। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करेंगे डिवीजन के बारे में। डिवीजन में हम देख सकते हैं a बाई b डिवाइडेड बाई c बाई d इज इक्वल टू ए रैशनल नंबर। ठीक है, इसको ही हम a बाई b को एकदम सेम टू सेम रखेंगे और डिवाइड के जगह पर अगर हम मल्टीप्लाई बैठा देंगे तो क्या हो जाएगा, c बाई d उल्टा हो जाएगा, उल्टा होके क्या हो जाएगा, d बाई c, सी नीचे आ जाएगा, d ऊपर चला जाएगा, क्योंकि हमने डिवाइड उठा के यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का सिंबल दिया है, इसलिए ऐसा हुआ है। जब जब हम ऐसा करेंगे तब कोई भी फ्रैक्शन या रैशनल नंबर होगा तो वो ऐसे उल्टा हो जाएगा। तो अब फिर से वो सेम रूल्स हैं, डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होंगे और न्यूमरेटर और न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होंगे। तो यहाँ पर हमने वैल्यू बिठा दिया तो क्या हो गया, 8/2 is 16 एंड 7/6 is 42। तो ये हमारा आंसर आ गया 42/16। यहाँ पर हमने क्या प्रूफ किया, यहाँ पर हमने ये प्रूफ किया कि एक रैशनल नंबर को अगर हम दूसरे रैशनल नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर में जो आएगा वो भी एक रैशनल नंबर होगा। तो प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर के अंदर जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर, उसमें हमने क्या क्या सीखा। क्लोजर के अंदर हमने सीखा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, और चारों पार्ट में हमने यही सीखा। एडिशन में ये सीखा कि दो रैशनल नंबर प्लस होंगे तो हमें रैशनल नंबर्स मिलेंगे आंसर में। सब्ट्रैक्शन में हमने सीखा कि एक रैशनल नंबर से दूसरे रैशनल नंबर को माइनस करेंगे तो हमें आंसर में रैशनल नंबर्स मिलेंगे। और नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन में हमने ये सीखा कि एक रैशनल नंबर के साथ दूसरे रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर भी रैशनल नंबर्स आएंगे। और लास्ट हमने डिवीजन में भी यही सीखा कि एक रैशनल नंबर को दूसरे रैशनल नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर भी रैशनल नंबर्स आएगा। और ये सिर्फ कंडीशंस ऐसे ही नहीं सीखा हमने, हमने यहाँ पर वैल्यू पुट करके खुद ब खुद प्रूफ करके भी देखा। इसी के साथ हमारा जो क्लोजर प्रॉपर्टीज है वो खत्म होता है। रिलेटेड वीडियोस लिंक्स यू कैन फाइंड आउट एट द डिस्क्रिप्शन। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल टू गेट मोर वीडियोस।
like, share, comments please.